लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखता के करार रोड मार्केट में देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर दुकान संचालक विनोद सिंह मलाड़ा अपनी दुकान पर पहुंचे, तब तक दुकान में खड़ी 5 मोटरसाइकिल ऑटो पार्ट्स मशीनें जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं तहसील पटवारी लक्ष्मी नारायण यादव ने मौका मुआयना कर आग से हुए भारी नुकसान का आकलन किया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। क्लोज करके मैं घर चला गया था। उसके बाद 10:30 बजे करीबन मुझे फ़ोन आया है कि दुकान में आग लगी है। जो यहाँ से ड्यूटी से घर को जा रहे थे, उन लोगों ने देखा कि मीटर से आग अंदर को गई है, एक चिंगारी से निकली मीटर से, तो उससे पूरी दुकान में आग लगी हुई है। करीबन 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। टोटल 5-6 बाइकें जल गई, नई स्कूटी थी वो जल गई है। स्पेयर पार्ट्स का टोटल आइटम था इसका, जो बाइकों का स्पेयर पार्ट्स होता है उसका टोटल आइटम था, ऑयल था उसमें। उसके बाद हल्द्वानी फायर ब्रिगेड को फिर यहाँ से जो रागीर थे जाने वाले, उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और वो फायर ब्रिगेड आई थी, उन्हें आग बुझाई। पटवारी जी लाल को यहाँ के पटवारी जी आए, उन्होंने यहाँ देखा, निरीक्षण किया।